पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से पूरे देश के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में भी शोक का माहौल है। कल सिक्किम की सत्तारूढ़ पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एक शोक सभा का आयोजन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। लुक इन अबाउट 2 आवर्स फ्रॉम नाउ ही इज गोइंग टू बी क्रीमेटेड इन न्यू दिल्ली। वी आर ऑल हियर इन सिक्किम एंड द आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ विद इन सिक्किम इज अनप्रेसिडेंटेड। That just shows the kind of tall leader he had and the impact he had on the people of Sikkim. And we have not only lost somebody who cared for humanity, but who cared for India, Indians, and especially Sikkim. I think the whole of India is going through a very sad and moment or phase. With the passing away of our former Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee Ji, India has lost a great son, and I would say it is an end of an era. A former Prime Minister was a great leader, a very tall leader, a great orator, a person who had a very far-sighted vision. And more than anything, I think he was a very good human being. मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से 20 वर्षीय एक लड़के की सिर कटी हुई लाश बरामद हुई है। लड़के की शिनाख्त त्रिपुरा के प्रशांत सूत्रधर के तौर पर की गई है। प्रशांत बेंगलुरु के नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। बीते 11 अगस्त से वो लापता था और 14 अगस्त को मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से उसकी सिर कटी लाश बरामद की गई। प्रशांत के शव को कल उसके घर लाया गया। उदयपुर के आधिकारिक सूत्र के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और त्रिपुरा पुलिस लगातार मुंबई पुलिस के साथ संपर्क में है। ছেলে কোহিনজিৎ প্রশান্ত সূত্রধর, ও বিএসসি নার্সিং করতে বাঙ্গালোর গিয়েছিল। তারপর গত 11 তারিখ থেকে সে মিসিং আছে। মিসিং থাকার পরে গত 14 তারিখ ওনার দাদা স্টেশনে, ওর রেল স্টেশনে ওর বডি পাওয়া গেছে। তারপরে তো পোস্টমর্টম হয়েছে। হওয়ার পরে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের অনুরোধে মহারাষ্ট্র সরকার খুব প্রম্পটলি এখানে দেহ পাঠিয়েছেন। এগুলো পর্যন্ত এখন দেখা হচ্ছে। তারপরে বাকি কী কারণ টারণ এগুলি পরবর্তী সময় হবে। मिजोरम पीपल्स फोरम की तरफ से आइजोल के वनापा हॉल में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में चर्च और गैर सरकारी संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया। आगामी चुनाव को साफ सुथरा और निष्पक्ष बनाने का आह्वान करते हुए एमपीएफ ने हाल ही में एमएनएफ, जेडपीएम, कांग्रेस, भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए मेघालय में कल स्टेट हॉलीडे मनाया गया। शिलांग स्थित बीजेपी मुख्यालय दीनदयाल भवन में शोक सभा का आयोजन किया गया। 2 मिनट का मौन रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। प्रदेश के राज्यपाल गंगा प्रसाद समेत अन्य राजनीतिक नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक जाहिर किया है। वाजपेयी जी आज हमारे बीच नहीं रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि पिता का जो आशीर्वाद होता है पुत्र के ऊपर, हमारी सबकी यही हालत है। कोई ऐसी लफ्ज अपने जवान में नहीं है कि इनके बारे में कुछ बोलूं, लेकिन आज एक चीज बार बार मुझे मन में यही चीज आ रही है कि हमारे जो विगत अध्यक्ष थे श्री यंटिस रॉय खरपुली, हम लोग 2002 में गुवाहाटी जा रहे थे तो वहाँ पे वाजपेयी जी भी आए और हमारे उत्तर पूर्व क्षेत्र के सभी भाजपा के लोग आए। तो खाने का समय था, अचानक हमारे प्रेसिडेंट ने बोल रहे कि सामने इलेक्शन है। हमारे वासुदा ने एक हिंदी में कविता रची है, 2 पंथ की कविता थी कि चप्पा चप्पा घूम चुका हूँ, चप्पा चप्पा घूम चुका हूँ,
जन जन से मिल चुका हूँ, सबके दिल में अटल बिहारी और कांग्रेस है भ्रष्टाचारी। इन माई ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स द लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी वॉज अ पर्सन हु कुड कनेक्ट, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कनेक्ट द एंटायर कंट्री टूगेदर, नॉट जस्ट टॉकिंग बट हिज रोड नेटवर्किंग सिस्टम is one great, great achievement which not very many prime ministers have done so. He has left behind this legacy of a networking of roads which literally connects all parts of the country together. We are holding this condolence meeting here in the party office for the departed soul of late Atal Bihari Vajpayee ji, who was the first president of BJP during 1980s. When the formation of the party was done in 1980, he was the first president of the BJP. इम्फाल स्थित शुल्क विभाग की एंटी स्मगलिंग यूनिट ने कल शहर के दो स्थानों से 3 किलो 600 ग्राम सोने के बिस्किट और ड्रग्स जब्त किए हैं। सोने के इन बिस्किटों की कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई गई है, जबकि ड्रग्स की कीमत 12 करोड़ रुपए बताई गई है। सोने की तस्करी के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह लोग अपने जूतों और बैग में भरकर सोने को इम्फाल से डीमापुर ले जा रहे थे। इन सोने के बिस्किटों को मुंबई पहुंचाने की फिराक में थे। Yesterday at around 4 p.m. in the evening, we detected gold from 5 persons, contraband gold. From 1 person at North AOC, we detected 400 grams, which are concealed in her body, in his body cavity. And from another 4 persons, we detected 3.2 kgs of gold. That means a total of 3.6 kgs of gold, contraband gold, was detected yesterday, and it has been seized in 2 cases. And total valued at rupees 1 crore 6 lakhs.